को संबोधित करेंगे। मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी ने ये इशारा किया कि देश के न्यूनतम 20% परिवारों को वो एक आमदनी सब्सिडी के रूप में देगी। तो कहना था जो लोग जिनकी आमदनी 12,000 रुपए से नीचे है उसका बकाया हम पूरा करेंगे। वैसे तो कई वर्ग ऐसे हैं जिनके कोई सबूत नहीं होते उस आमदनी के स्तर पे, और इसलिए किसको देना है किसको नहीं देना उसकी जो समस्याएं आती हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इसके राजनीतिक, आर्थिक और जो इसमें छल खपट है, एक ब्लफ है, वो आपके समक्ष रखना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है। उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा। गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं रहा। योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है। पंडित जी के जमाने में विकास दर 3.5% थी, जो उनका आर्थिक मॉडल था, जिसको विश्व हमारा मखौल उड़ाता था और व्यंग के रूप में हमें कहता था कि ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। तो उसमें तो कोई गरीबी हटाना वो संभव नहीं था। इंदिरा जी तो 1971 में गरीबी हटाने के नाम पर चुनाव जीती थी। गरीबी हटाओ उसका मुख्य नारा था, जो आज तक लोगों को स्मरण है। लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए जो आवश्यक चीज है कि अर्थव्यवस्था बढ़े, समाज में आमदनी बढ़े, जेनरेशन ऑफ वेल्थ हो और उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो न्याय के लिए, यह उनकी नीति नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, शी डिड नॉट बिलीव इन जेनरेशन ऑफ वेल्थ, शी ओनली बिलीव्ड इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। और अगर उनका कार्यकाल देख लें तो चुनाव वो गरीबी हटाओ के नाम से जीती थी, लेकिन उस कार्यकाल में केवल गरीबी का वितरण हुआ था। आपको कोई भी ऐसे कार्यक्रम स्मरण नहीं होंगे जो नीचे को ऊपर उठाना है उसके लिए प्रयोग किए गए हों। ऊपर वाले के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए जिससे जेनरेशन ऑफ वेल्थ रुक जाए, लेकिन गरीबी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, केवल यही उनकी नीति थी। राजीव जी के कार्यकाल में तो विवाद ही चलते रहे, इसलिए बहुत कार्रवाई नहीं हो पाई। और कई बार अगर आप देखें तो 10 वर्ष के यूपीए के कार्यकाल में भी किस प्रकार से, एक प्रकार से छल कपट
धोखा ब्लफ होता था, लोन वेवर। जो सबसे पहले मदर स्कीम आई थी 2008 में, 70,000 करोड़ रुपए का हम ऋण माफ कर रहे हैं, वन टाइम एफर्ट, जीवन में एक बार 70,000 करोड़ का। हम तो पीएम किसान में 75,000 करोड़ प्रतिवर्ष देंगे, हम तो मनरेगा में 60,000 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे हैं, वन टाइम स्टेप ऑफ 70,000। दिया कितना? 52,000। और सीएजी ने कहा दिया किसको? एक बड़ा अंश दिल्ली के व्यापारियों को मिल गया। ये सीएजी की रिपोर्ट है, जिस लोन वेवर का जिक्र करते हैं उसकी ये हिस्ट्री है। दूसरा, मनरेगा। हम ग्रामीण जीवन बदल देंगे, कहते थे 40,000 करोड़ रुपया साल का खर्च करेंगे और खर्च करते थे 28,000 करोड़, और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर न होने की वजह से, केंद्र से राज्य, राज्य से जिला, जिला से तहसील, तहसील से पंचायत प्रमुख, और फिर उसका कुछ छोड़ा अंश किसान तक पहुंचता था। आज भी अगर आप देखें तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे। पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3000 करोड़, और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5,500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना, यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। इस परिस्थिति में आज जो जगलरी है, इसमें आप 2-3 चीजें समझ लें। जब हमारी सरकार कानून के माध्यम से, हमने आधार औपचारिक रूप से कानूनी दृष्टि से लाया जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी विरोध किया और उसके जो वकील नेता थे वो कोर्ट में भी जाकर उसका विरोध करते रहे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार को रोकने की कोशिश की। और आज उस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हम बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से इसको देंगे, यानी कि डीबीटी से देंगे। इसका अर्थ क्या है? मैं उनके एक पार्टी के भीतर के आर्थिक सलाहकार का आज बयान पढ़ रहा था कि ये जो आज योजना दी है इससे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा, द फिस्कल विल नॉट बी इफेक्टेड। पूर्व वित्त मंत्री ने ये भी ये कहा कि फिस्कल बैलेंस हम मेंटेन करेंगे इससे। इसका अर्थ क्या है? तीनों चीजें जोड़ लीजिए। आप रीपैकेजिंग कर दें, आज अर्थ क्या है कि डीबीटी के माध्यम से क्या होता है? आज केंद्र सरकार की 55 विभागों की योजनाएं हम डीबीटी के माध्यम से इन गरीब परिवारों को ऑलरेडी उनके बैंक के खाते में दे रहे हैं। उसका खर्चा है 1.8 लाख करोड़। अलग अलग योजना में, किसी में 500, किसी में 800, किसी में 2000 रुपया पहली तारीख को किसान के खाते में पहुंच जाता है, गरीब के खाते में पहुंच जाता है। अब फूड एक्ट में लिखा है, राइट टू फूड एक्ट में,
कि आप या अनाज दे सकते हैं या डीबीटी के माध्यम से दे सकते हैं या उसके लिए बदले में पैसा दे सकते हैं। उसका इस साल खर्चा रखा है 1.84 लाख करोड़। फर्टिलाइजर का हम लोग दे रहे हैं, अभी कंपनियों के माध्यम से जाता है, अगर प्रत्यक्ष किसान को चला जाए 75,000 करोड़। मनरेगा उस 1.8 में इंक्लूडेड है, लेकिन पीएम किसान इंक्लूडेड नहीं है। पीएम किसान भी उसी के माध्यम से जाता है गरीबों को 75,000 करोड़। और स्वास्थ्य के लिए तो 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम ये सारा का सारा, इसमें से काफी कुछ लगभग 60-70% हम डीबीटी से दे रहे हैं, बाकी भी डीबीटी से शुरू कर दें, जो होना चाहिए मैं मानता हूं, तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़ जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? उससे डेढ़ गुना ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं। और ये 5.34 लाख करोड़ बनता है 1,06,000 रुपए अगर 20% 5 करोड़ परिवारों में देना है। ये तो अरिथमेटिक का प्रश्न है। और इसके अलावा कई छोटी योजनाएं हैं जिसमें 60-70,000 करोड़ जा रहा है। इसके अलावा जो टॉयलेट्स का दे रहे हैं, जो उजला में गैस का दे रहे हैं, जो बिजली का दे रहे हैं, जो आवास योजना में घर का दे रहे हैं, वो सब अलग है। जो सोशल सेक्टर में गरीबों को दे रहे हैं, आप सारे जोड़ लो तो ये 7 लाख करोड़ तक जाएगा। तो इसलिए एक छल कपट करना कि हम इस बार 3.6 लाख करोड़ गरीबों में बांटेंगे, 20% परिवारों में 12,000 देके, अरे भाई जब अलग अलग 8 सोर्सेस से उसके अकाउंट में चेक जाते हैं डीबीटी के माध्यम से, तो पहली तारीख को तो उसके अकाउंट में एक ही पैसा होता है। पैसा एक चेक से आए या 8 चेक से आए, केवल इतना अंतर है। तो ये जो डीबीटी का मैकेनिज्म हम लोगों ने पारित किया, जिसका कांग्रेस ने 5 साल संसद में पब्लिक में और आधार को सुप्रीम कोर्ट तक विरोध किया, आज ये छल कपट है कि हम 3.6 लाख करोड़ 12,000 रुपया, 12,000 भी मान लीजिए किसी की आमदनी 10,000 रहे तो उसको 2 मिलेगा, जिसकी 8 है उसको 4 मिलेगा, और जो टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आते लोग, इनफॉर्मल सेक्टर में है, गरीब उसी सेक्टर में होता है, तो उसका माप लेना भी बहुत कठिन होता है। तो किसको आप निकालोगे, किसका आप मंजूर करोगे? आज एक व्यवस्था चल रही है जो सोशो इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं उसके आधार पर, तो आज श्री नरेंद्र मोदी की सरकार डीबीटी के माध्यम से 1.8 और 75 पीएम किसान का तो ऑलरेडी दे रही है 2,60,00,000, और फूड भी उसमें डाल दें और बाकी फर्टिलाइजर भी डाल दें, जो अधिकतर अर्थशास्त्री मानते हैं कि डालना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष जिसको लाभ देना है उसको मिलेगा। तो अगर आपने भी फिस्कल बोझ नहीं डालना, फिस्कल बर्डन नहीं डालना, और बैंकिंग सिस्टम का ही प्रयोग करना है, तो वो तो जितना आप देना चाहते हो उससे डेढ़ गुना ज्यादा देने में ऑलरेडी प्रयोग हो रहा है, और अन्य जो गरीब के लिए योजनाएं हैं वो उसके अलग हैं। तो इसलिए आपने गरीबी के नाम पे
50 साल तक इस देश को गुमराह किया है। अगर वो नारा देने के बाद भी और उसको अपना कार्यक्रम मानने के बाद भी आज आपको लगता है कि 20% लोग हर 5 में से एक उस स्तर पे हैं जिसके पास 12,000 की भी आमदनी नहीं है, तो 1971 के बाद 48 वर्ष हो चुके हैं। उस 48 साल में से 2/3 आपकी सरकार रही है। सो द क्रॉस हैंग्स ऑन योर नेक फॉर लेटिंग डाउन द पुअर ऑफ दिस कंट्री। लेकिन अब इस देश में जो जागरूकता है, इस देश का गरीब इस छल कपट में नहीं आएगा। बहुत समय बाद एक सरकार आई है जिसने पिछले 5 वर्षों में साधन दिए हैं और उन साधनों का गवाह वो मकान, वो शौचालय, वो बिजली, वो कुकिंग गैस, वो सड़कें और उनके बैंकों में पैसा, वो उसका गवाही देते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल किसी योजना की डिटेल मत दो, सिर्फ कह दो कि हम मौजूदा साधनों में ही बिना फिस्कल बोझ बनाए हुए दे देंगे, तो इसका अर्थ तो समझा दो। उससे कई गुना ज्यादा आज भी मिल रहा है। तो केवल नारे और बयानों से गरीबी नहीं जाएगी, साधनों से जाएगी। उस गरीबी मिटाने के लिए हमने साधन दिए हैं। आज आपने एक बार फिर इतने धोखे देने के बाद एक बार फिर धोखा दिया है जिसमें कि जनता फंसने वाली नहीं है। धन्यवाद। संजय इसका क्या अर्थ है कि बिना फिस्कल प्रेशर डाले हुए हम करेंगे? इसका तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। यू शुड रीड बिटवीन द लाइंस। अब कल बयान बदलने तो मैं नहीं कह सकता, और अगर बदलते हैं तो फिर बता दे कि साधन कहां से आएंगे। और अगर फिस्कल डेफिसिट 3.4 की बजाय 6% में ले जाना है, तो जब पिछली बार यही टोली थी जो 5.6% में ले गई थी, तो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 10.4 पे चली गई थी। इन्वेस्टर देश छोड़ के भाग गए थे, अर्थव्यवस्था में धीमापन आ गया था। तो फिस्कल प्रूडेंस भी जरूरी होता है। इसीलिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं नहीं, जो घोषणा हमने की है उसका फिस्कल पे असर नहीं पड़ेगा और हम डीबीटी से करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अरे बैंकिंग से तो हो ही रहा है, तो पहले विरोध क्यों किया था? पहले आधार की कल्पना की, फिर उसका विरोध किया, उसको चुनौती दी, और आज फिर लौट के बुद्धू घर को आए। रविंद्र जी, देखिए वो भी धोखा था, ये उससे बड़ा धोखा है, लेकिन ये वो धोखा है जो 8 बार दे चुके हैं पहले। देखिए 40,000 के 28,000 खर्चते थे, हम तो पिछले 2 सालों से 60,000 दे रहे हैं। कम से कम आंकड़े भी देख पढ़ना आरंभ कीजिए आप। Well, television influences voters, so celluloid can also influence voters. Both are a part of free speech. An article is a part of free speech. A video film can be shown, but not otherwise. But I'd like to understand this self-created limitation on free speech today. Challenge. दावा किया है कि जो लाभ दिया जाएगा उससे ज्यादा ही अगर पूरा जोड़ा जाए तो सरकार इस वक्त दे रही है गरीबों को साधन।
देखिए कांग्रेस के जब बजट आते थे तो पहले दिन कई बार आकर्षक घोषणा होती थी, लोगों को बजट दूसरे और तीसरे दिन समझ आता था कि इसमें धोखा क्या है। अंग्रेजी में एक कहावत इस्तेमाल होती है, द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स, तो प्लीज स्टार्ट गोइंग इन टू दोज डिटेल्स। मैं चार बार दे चुका हूं मैडम, केवल उसको पढ़ लीजिए एक बार। एक लास्ट क्वेश्चन, वेल दिस इज अ डिसीजन विच द क्रेडिटर्स हैव टेकन, बिकॉज द क्रेडिटर्स मोस्ट ऑफ हुम आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव kept a legitimate self-interest and public interest in mind. The self-interest of the banking system is that the company must survive so that their investment remains, and when it prospers they can get back their monies, their debt can be serviced. They have kept public interest in mind because India needs more airlines and more aircrafts considering the increase in the flying population. So if you have less aircrafts and less airlines flying, it will lead to tariff increase, which hurts the consumers. So I'm happy that the creditors have kept both these considerations in mind, which reflect their concern for larger public interest. Thank you.